डायनासोर हमारी धरती पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाले जीव थे। डायनासोर पृथ्वी पर लगभग 165 मिलियन वर्षों तक जीवित रहे, लेकिन 65 करोड़ साल पहले क्रेटेशियस काल के अंत में लगभग 10 किलोमीटर वाला एक बहुत बड़ा विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की दिशा में बढ़ रहा था। उस दौरान हमारी धरती हरी भरी जीवन से भरपूर थी। आश्चर्यजनक रूप से सफल प्राणियों ने इस भूमि पर 180 मिलियन वर्षों तक शासन किया, लेकिन अंततः एस्टेरॉयड पृथ्वी और चंद्रमा की प्रणाली में प्रवेश कर गया। ये माउंट एवरेस्ट से बहुत बड़ा था। वह 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर आ रहा था और अंततः वह पृथ्वी से टकरा गया। ये आधुनिक मैक्सिको के पास उथले समुद्र से टकराया। इस टक्कर से इतनी अधिक गर्मी उत्पन्न हुई कि यह सूर्य से भी अधिक गर्म हो गया। एक गोलाकार शॉक वेव ने निचले और उसके आसपास की समुद्र चट्टान को पिघला दिया और मैग्मा को ऊपरी वायुमंडल में फेंक दिया। सारा मैग्मा आकाश में फैल गया और समुद्र तीव्र गर्मी से उबलने लगा। टक्कर के एक घंटे बाद आसमान से मलबा गिरने लगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन खत्म होने लगा। उस समय के सबसे बड़े जानवर डायनासोर इस तबाही को सहन नहीं कर सके और अत्यधिक गर्मी के कारण मरने लगे और अंततः विलुप्त हो गए।